कोरोना का खौफ, हाई अलर्ट पर पूरी दुनिया, सरहदों को पार करता कोरोना, विश्व में लगभग 5,436 लोगों की मौत, देश में लगभग 89 लोग कोरोना से संक्रमित, लोगों को घर में रहने की दी जा रही है सलाह, 12 राज्यों में स्कूल कॉलेजेस बंद, 122 देशों में वायरस, भारत वायरस को रोकने में अव्वल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों से मिलकर रणनीति बनाने की अपील। चीन के बाद इटली में सबसे ज्यादा लगभग 1,226 लोगों की मौत। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस 122 देशों तक पहुंच गया है। इसके संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 5,436 को पार कर गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। दुनिया भर की सरकारें कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने पर ध्यान दे रही हैं। जानकारों का कहना है कि इसके संक्रमण को फैलने से रोककर ही इसे कंट्रोल किया जा सकता है। देश में लगभग 89 कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के मामले सामने आ चुके हैं। भारत में कोरोना का कहर, कोरोना से हुई 2 मौतें, हर तरफ डर का माहौल। भारत में कोरोना वायरस से एक और मौत हो गई है। अब की बार दिल्ली में कोरोना वायरस से मौत हुई है। कोरोना वायरस से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यह पहली मौत है। कोरोना वायरस के लक्षण मिलने के बाद 69 वर्षीय महिला को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट किया गया। महिला डायबिटीज और हाइपरटेंशन से पीड़ित थी। मृतक महिला का बेटा हाल ही में विदेश से लौटा था, जिससे वो महिला भी कोरोना वायरस के संपर्क में आ गई। इससे पहले कोरोना वायरस से कर्नाटक में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। इस तरह भारत में कोरोना वायरस से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस के लगभग 89 मामले सामने आ चुके हैं और लगातार ये मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। 4 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर विश्व पटल पर कोरोना कितना घातक साबित हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए सभी राज्यों को $50 बिलियन यानी करीब 3.69 लाख करोड़ की सहायता की मंजूरी मिली है। इस बीच दुनिया में कोरोना वायरस के कुल 1,45,634 मामले सामने आ चुके हैं। विश्व में कुल 5,436 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर पत्नी के संक्रमित होने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी अब घर से ही काम कर रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की पत्नी सोफी को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया, उनका इलाज चल रहा है। जस्टिन घर से ही कामकाज देख रहे हैं, इसकी एक तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर शेयर की है। जस्टिन ने ट्विटर पर लिखा, मुझ में कोरोना वायरस का कोई लक्षण नहीं पाया गया है, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। तो वहीं पाकिस्तान ने ईरान और अफगानिस्तान से लगी सीमाएं सील कर दी हैं। शादियों में भी लोग नहीं जुट सकेंगे। वहीं भारत में कोरोना का प्रकोप किस तरह से देखने को मिल रहा है, चलिए आपको बताते हैं। शेयर बाजार में गिरावट, शेयर बाजार में लगातार कोरोना का खौफ देखने को मिल रहा है। 12 मार्च को धड़ाम होने के बाद सेंसेक्स में 13 मार्च को भी ओपनिंग में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। इससे शेयर के 1.5 लाख से अधिक शेयर धारकों के करीब 600 करोड़ का नुकसान हो गया। कोरोना से आर्थिक संकट, संयुक्त राष्ट्र की कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने खबर दी है कि कोरोना वायरस से प्रभावित दुनिया की 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत है। चीन में उत्पादन में आई कमी का असर भारत के व्यापार पर भी पड़ा है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को करीब $34.8 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूरोप के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने भी 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की गति का पूर्वानुमान 1.1% घटा दिया है। OECD ने पहले अनुमान लगाया था कि भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.2% रहेगी, लेकिन अब उसने इसे कम करके 5.1% कर दिया है। पर्यटक उद्योग पर भी कोरोना की मार, पर्यटन उद्योग को करीब 18 अरब के नुकसान की आशंका को लेकर कोरोना वायरस को लेकर विदेश से आने वाले पर्यटकों पर
रोग से पर्यटन क्षेत्र पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे 18 अरब रुपयों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में मार्च और अप्रैल में 1.5 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, मगर इस बार कोरोना के संक्रमण की आशंका से विदेशी पर्यटकों के आने पर रोक लगाई गई है। फरवरी में 1 लाख से अधिक पर्यटक दिल्ली यात्रा को रद्द कर चुके हैं। पर्यटक ना होने से होटल और गेस्ट हाउस खाली पड़े हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग लड़खड़ाया। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर यानी SIAM का कहना है कि भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में करीब 3.7 करोड़ लोग काम करते हैं। भारत में ऑटो उद्योग पहले से ही आर्थिक सुस्ती का शिकार था। अब चीन में मंदी के कारण भारत के ऑटो उद्योग को भी कलपुर्जों की किल्लत हो रही है। ज्वेलरी कारोबार पर भी प्रभाव। एक और उद्योग जो कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रभावित है वो है जवाहरात और ज्वेलरी का। कोरोना वायरस से इस सेक्टर को करीब $125 अरब का नुकसान होने की आशंका है। भारत के तराशे और पॉलिश किए हुए हीरों के निर्यात के सबसे बड़े केंद्र चीन और हांगकांग हैं, और इन दोनों ही जगहों पर वायरस का बुरा असर पड़ा है। स्कूल और कॉलेज भी प्रभावित। दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेजेस 31 मार्च तक बंद। मैं अदरवाइज भी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा दिए सिर्फ आदेशों का इंतजार ना करें कि कौन सी एक्टिविटी बैन की जा रही है, कौन सी नहीं बैन की जा रही है। कोरोना वायरस को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको मिलके दुनिया के सारे देशों में समाज लीडरशिप, हर सेक्टर की लीडरशिप, सरकार सब मिलके इससे लड़ रहे हैं। यहाँ भी हर सेक्टर के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ना देखें कि सरकार ने ये चीज़ बैन की है और ये चीज़ नहीं बैन की है। इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा सॉल्यूशन है इसका। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, दुनिया भर में जहाँ भी जिस भी देश में गई है बहुत तेजी से फैली है, तो इसमें मिलके हम लोगों को काम करना पड़ेगा ताकि ये इसको फैलने से रोका जा सके। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी 22 मार्च तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। से जुड़े हुए अवेयरनेस से संबंधित पोस्टर और होर्डिंग लगाने की कार्रवाई के लिए आज आदेश दिए गए हैं, और इसके बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के बारे में वहां पर कहा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से भी व्यापक पैमाने पर एक अवेयरनेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से जागरूकता के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति, साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के बारे में एक बृहद अभियान अपने स्तर पर चला भी रहा है, क्योंकि 1 मार्च से संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के प्रारंभ हुए हैं, और इस कार्यक्रम को उसके साथ जोड़ते हुए वहां पर होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, FM रेडियो की सहायता से, टेलीविजन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस सभी प्रचार के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं और इस कार्यक्रम को लेंगे। कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए बिहार में भी स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थानों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, ओडिशा में भी मार्च तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना वायरस के जाने तक हाथ ना मिलाएं। दिल्ली में सिनेमा घर भी 31 मार्च तक बंद किए गए हैं। कोरोना वायरस को WHO ने महामारी पहले ही घोषित कर दिया था, लेकिन अब अपने देश यानी कि इंडिया में भी कई स्टेट्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे इसको महामारी घोषित करते जा रहे हैं। उड़ीसा की हम बात करें, दिल्ली की बात करें, यूपी, हरियाणा, सब जगह जो है सरकार ऐसी जगहों पर को बंद करने की या गैदरिंग ना करने की जो है वो नोटिस दे रही है उसके लिए, ताकि ये संक्रमण है ज़्यादा ना फैले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में इस वक्त हम खड़े हैं क्योंकि कल भी जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उन्होंने ऐसी जगहों को, सिनेमा हॉल या स्कूल कॉलेजेस, इन जगहों को बंद करवाने की बात बोली थी। लोग कितने इसको लेकर के अवेयर है हम ये भी जो है ये बात भी जान लेते हैं। काफ़ी मतलब पर्सनल हाइजीन तो बहुत ज़रूरी है, तो जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, फेस मास्क यूज़ करें, डेली जो अपने कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं, डेली उनको वॉश करें। ये तो एक अफवाह मैं समझ रहा हूँ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अगर हम लोग खुद प्रिकॉशंस रखते हैं तो इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अब मैं खुद पान खा रहा हूँ यहाँ पे।
पैनिक नहीं है लोग, पर अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है। ऐसी जगहों को बंद कर दिया गया है जहाँ से इस संक्रमण का ज़्यादा फैलने का डर है। गूगल के कर्मचारियों को भी घर से काम करने की सलाह दी गई है। 15 अप्रैल तक आईपीएल टला, आईपीएल को 2 हफ्तों के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले भी आईपीएल को 15 अप्रैल से कराए जाने की मांग की जा रही थी, तो वहीं दिल्ली सरकार ने भी कहा कि वो दिल्ली में किसी भी खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं होने देंगे। कोरोना वायरस के खौफ के चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन को 15 अप्रैल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है। पहले ये टूर्नामेंट 29 मार्च से होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित करने का फैसला किया गया। इंडिया में भी मतलब कोरोना स्लोली साइलेंट आ रहा है, इसलिए मतलब आईपीएल के जो मैचेस है जो इंडिया में होने वाली थी वो सब मैचेस रद्द करने का निर्णय जो लिया है वो सही निर्णय है। जिस तरह जापान में होने वाली जो ओलंपिक थी वो भी रद्द हो चुके हैं, तो कोरोना ज़्यादा ना फैले, ये कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है और इसीलिए मुझे लगता है कि जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय है। काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय बीसीसीआई ने लिए हैं और मुंबई में बैठक थी, इसमें बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी जैसा है और आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल वगैरह ने सबसे बातचीत करके ये निर्णय लिया है कि एक तो आईपीएल को 15 अप्रैल तक जो है पोस्टपोन कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। 15 अप्रैल से शुरू करने की बात है, तब तक एक महीने में पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन रहती है इसकी, संक्रमण जो फैला हुआ। कोरोना से डरा कानून, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कामकाज को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के कारण कोर्ट रूम में लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कहा कि केवल जरूरी मामलों पर ही सुनवाई होगी। कोरोना वायरस से देश जरा हुआ है, इसीलिए कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी धरती कोरोना वायरस से लड़ रही है, विभिन्न स्तरों पर सरकारें और लोग इसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया जहां वैश्विक आबादी का एक महत्वपूर्ण संख्या रहती है, ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए कि हमारे लोग स्वस्थ हैं। पीएम मोदी ने दूसरे ट्वीट में कहा कि मैं प्रस्ताव करना चाहूंगा कि सार्क देशों के नेतृत्व ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाई जाए। अपने नागरिकों को स्वस्थ रखने को लेकर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर सकते हैं, एक साथ हम दुनिया के लिए उदाहरण निर्धारित कर सकते हैं और एक स्वस्थ ग्रह में योगदान कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर देश के लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से सजग है और लोग बड़े समूह में एकत्रित होने से बचें और इसके फैलाव को रोकें। मोदी ने कोविड-19 पर अपने ट्वीट में कहा, घबराहट को ना, सावधानी को हाँ कहिए। इसके साथ ही देश की कई बड़ी हस्तियों ने कोरोना से लड़ने की सलाह दी है। कोरोना वायरस को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, सब लोग घबराए हैं और घबराए हुए हैं, चिंता में हैं। आज सुबह सुबह हमको भी लगा कि हमें भी कुछ बोल देना चाहिए इस पर, तो ऐसे ही बैठे बैठे 4 पंक्तियां लिख दी हैं और सोचा कि आपको हम भेंट में दे दें और कहा सुना माफ़ कीजिएगा। तो हमने लिखा है कि बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस। अब ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के केहू का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हमऊ कर देते हैं जैसन बोलें सब, हम कहा चलो हमऊ कर देते हैं जैसन बोलें सब, आवे देव करोना फिरोना ठेंगवा दिखाओ तब। आपको मालूम होगा कि कोरोना वायरस को WHO ने पैंडेमिक या महामारी घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि हम सबको बहुत सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें करने से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अपने हाथ बार बार धोएं, हर बार साबुन से कम 30 सेकंड के लिए धोएं। इसके अलावा
अगर आपको इस बीमारी के लक्षण महसूस हों, सर दर्द हो, बुखार हो, खांसी जुकाम हो, तो ज़रूर किसी डॉक्टर से मिलिए या किसी चिकित्सालय से संपर्क करिए। ऐसे लक्षण महसूस होने पर ज़्यादा लोगों से न मिलें। अगर आप यात्राओं पर जाने की योजना कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए यात्राओं पर न जाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर इनके करने से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अब मामले बढ़ने की खबरों के साथ ही लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है। लोग खुद को और अपनों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए मास्क और सैनिटाइजर खरीदने दुकानों पर पहुंच रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोने की सलाह दी जा रही है और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की हिदायत दी जा रही है। सैनिटाइजर्स 99.9% कीटाणुओं को मारने का दावा करते हैं और एहतियातन लोग ज्यादा सैनिटाइजर खरीदने लगे हैं। लोगों का ये भी मानना है कि मास्क लगाकर ऑफिस, स्कूल या बाजार जाते वक्त वो संक्रमण से बच सकते हैं, लेकिन अचानक से मास्क और सैनिटाइजर की मांग बढ़ने की वजह से लोगों को मास्क और सैनिटाइजर मिलने में दिक्कत हो रही है। दुकानदारों के मुताबिक पिछले 3 दिनों में बिक्री अचानक बढ़ गई है। लोगों का यह भी कहना है कि अब कई मेडिकल स्टोर्स पर मास्क और सैनिटाइजर्स नहीं मिल पा रहे हैं। जहां मिल भी रहे हैं वहां उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। पर अब सरकार इस मामले पर ध्यान देते हुए एडवाइजरी जारी कर चुकी है, जिसके अंतर्गत दुकानदारों को ये निर्देश दिए गए हैं कि MRP पर ही लोगों को मास्क और सैनिटाइजर्स मुहैया हों। भारत सरकार अब इस बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है। भारत ने कोरोना वायरस के मद्देनजर विदेश से आने वाले लोगों का वीजा 15 अप्रैल तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस प्रतिबंध से राजनयिकों, अधिकारियों, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारियों को छूट मिलेगी। ये प्रतिबंध 13 मार्च 2020 से लागू हो जाएगा। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के नागरिकों के नियमित और ई वीजा पर भी रोक लगा दी गई है। इससे पहले चीन, साउथ कोरिया, जापान, इटली पर भी ऐसी रोक लगाई गई थी। सरकार ने यह भी कहा कि भारतीय नागरिकों को कठोरता पूर्वक ये सलाह दी जाती है कि गैर जरूरी विदेशी यात्राएं ना की जाएं। अगर वो कहीं से भी यात्रा करके लौटते हैं तो उन्हें कम से कम 14 दिनों तक लोगों से अलग रखा जा सकता है।